हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 5, लेजिस्लेचर, क्लास 11, पॉलिटिकल साइंस। अर्लियर वी हैव मेड दिस चैप्टर्स पार्ट 1, यू मे चेक फ्रॉम द प्लेलिस्ट, एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर लेजिस्लेचर, चैप्टर नंबर 5। सो वी आर हेयर, पावर्स ऑफ द राज्यसभा। अब हम इस वीडियो के अंदर जो पहला टॉपिक हमारा है, हम राज्यसभा की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अर्लियर आपको बताया था कि पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। तो अब हम राज्यसभा की पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसीडर्स एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल। तो जो नॉन मनी बिल होते हैं, याद रखना, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं, आर्टिकल 110, एक बार देख लेना आप, ठीक है। जो नॉन मनी बिल है उन्हें एक सांसद या तो लोकसभा में भी पेश कर सकता है और राज्यसभा में भी पेश कर सकता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में पेश होगा। एंड सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू मनी बिल, ठीक है। और मनी बिल में अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकता है उसको, क्योंकि लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, 14 दिन का टाइम होगा राज्यसभा के पास, तो वहां सिर्फ राज्यसभा सजेशन दे सकती है। और अगर वापिस भेज दिया, मान लो 14 दिन के अंदर अंदर कि रिजेक्ट कर रहा है या वापिस भेज दिया है, तो जब अगली बार लोकसभा से पास हो जाएगा ना राज्यसभा में, अब राज्यसभा को पास करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। अप्रूव्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वही लोकसभा में पेश हुआ बिल, देन राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो जो लोकसभा से अमेंडमेंट होने है किसी बिल में, वो आया है राज्यसभा में, तो राज्यसभा उसे अप्रूव भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। पर मनी बिल के केस में 14 दिन दोबारा वाला प्रोसेस है। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूसिंग मोशंस एंड रिजोल्यूशन। तो राज्यसभा के अंदर जो माननीय सांसद होते हैं वो क्या कर सकते हैं, रूलिंग पार्टी के मंत्रियों से, संबंधी मंत्रालयों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जो अपोजिशन पार्टी होती है जनरली वो शैडो कैबिनेट बनाती है एक, जैसे फॉर एग्जांपल एक उनके अपोजिशन पार्टी का लीडर एजुकेट, मान लो कि वो एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल पूछेगा, एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से, इस तरह से उसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। तो क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। इंट्रोड्यूसिंग मोशन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन का मतलब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अगर अविश्वास प्रस्ताव है कि हमें, मतलब कि हमें लगता है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, वो वाली चीज। एंड रिजोल्यूशन, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द, अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है किसके और उनके रिमूवल में, याद रखना इलेक्टेड मेंबर, ठीक है। राज्यसभा में 12 मेंबर राष्ट्रपति जी के द्वारा भी चुने जाते हैं। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके इलेक्शंस, हालांकि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का तो इलेक्शन नहीं होता, क्यों, क्योंकि इनका तो अपॉइंटमेंट आप जानते हो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा के सांसद इलेक्टेड मेंबर, 12 लोग वो नॉमिनेटेड नहीं, तो इलेक्टेड मेंबर वोट डालते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट के में इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड, वो 12 लोग जो चुने गए हैं वो भी वोट डाल लेंगे। इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, याद रखना जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत का, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री वेंकैया नायडू जी, तो जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे। तो अगर राज्यसभा के चेयरमैन को हटाना है तो इनडायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट को ही हटाया जा रहा है, तो उसका इनिशिएशन किया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर इंक्लूड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में अगर कोई मैटर है, जैसे जब पार्लियामेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम 66 काम थे 66 स्टेट लिस्ट में, इस वक्त 61 है, तो अगर इसमें कम ज्यादा करना है तो राज्यसभा हैव द पावर। स्पेशल पावर्स क्या है राज्यसभा के पास में, अच्छा एक कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल सर्विसेज के केस में किसको ज्यादा पावर्स है, तो याद रखना सिविल सर्वेंट्स के अपॉइंटमेंट्स या उनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में राज्यसभा को ज्यादा पावर है। द राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स। स्टेट्स के मेंबर्स आते हैं चुन के यहाँ पे, आप जानते हो। इट पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट, देयरफॉर, और उसमें क्या होता है, उसमें जनता के रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, 250 हैं, 238 मान लो, 12 तो नॉमिनेटेड हैं, तो उसमें जनता डायरेक्टली वोट नहीं डालती, पर लोकसभा के में जो हमारे यहाँ 550 है मैक्सिमम, पहले 552 थे, दो एंग्लो इंडियन हटा दिए तो अब 543 रह गए, पहले 545 थे भरी हुई जो सीटें थी, तो जो वो 543 लोग हैं वो जनता के द्वारा सीधे तौर पे चुने जाते हैं। तो ये चीज, इट पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट, देयरफॉर एनी मैटर दैट इफेक्ट द स्टेट्स मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल।
तो अगर कोई सब्जेक्ट वो 61 काम है या जो राज्य से जुड़ा हुआ है, राज्य की सीमा का विस्तार या राज्य का नाम बदलना या एक राज्य को दो हिस्सों में बांटना, वो सब काम अप्रूवल राज्यसभा का जरूरी होगा और कंसेंट भी लेना पड़ेगा। दस इफ द यूनियन पार्लियामेंट विश टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ओवर विच ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ, तो अगर कोई मान लो 61 काम है ना, जो उसमें से कोई एक आधा काम हटाना है, टू आइदर द यूनियन लिस्ट और द कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, और उसको वहां से हटा के यूनियन लिस्ट जिसमें 100 से ज्यादा, 100 के आसपास काम है, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें यूनियन वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करती है, 52 ऐसे काम है वो, तो अगर उसमें डालना है यूनियन लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नेसेसरी, तो राज्यसभा का अप्रूवल नेसेसरीली लेना पड़ेगा। दिस प्रोविजन एड्स टू द स्ट्रेंथन ऑफ द राज्यसभा, ये राज्यसभा की ताकत को क्या करता है, बढ़ाता है। However, experience shows that members of the Rajya Sabha represent their parties more than they represent their state. ये तो होता ही है, जनरली जो members होते हैं वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट्स। हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, अब पार्लियामेंट कानून कैसे बनाती है, अ बिल इज ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ, तो जो भी कानून बनना है उसके लिए एक विधेयक, विधायक नहीं, विधायक एमएलए को बोलते हैं विधेयक, विधेयक किसको बोलते हैं, बिल को, तो एक बिल बनेगा, एक विधेयक बनाया जाएगा। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, बिल कई तरह के हो सकते हैं, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल, ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है, आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोज अ बिल इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट मेंबर बिल, तो जो अगर मान लो कोई बिल ऐसा है जो जो व्यक्ति उसको पेश कर रहा है, जो सांसद उसको पेश कर रहा है, वो मंत्री नहीं है, एक सिर्फ सांसद है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। अब बिल, और अगर कोई मंत्री उस बिल को पेश कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है संसद के अंदर, तो वो गवर्नमेंट का बिल माना जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हो हमारे यहां पे ये प्रावधान है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, अगर राष्ट्र वो प्राइम मिनिस्टर जी रिजाइन कर दें तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन माना जाता है, तो एक मंत्री इनडायरेक्टली किसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है, गवर्नमेंट को, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है। When a bill is passed by both the house, जब एक बिल दोनों सदन से पास हो जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा उनके एसेंट के लिए, उनकी भी मंजूरी जरूरी है, याद रखना एक बिल हमारे यहाँ कानून जब ही बनता है जब राष्ट्रपति जी के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जी के पास एक पावर होती है पॉकेट वीट होगी, अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो किसी भी बिल को क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं बिना आंसर दिए। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सा बिल ऐसा है जो 1980s में प्रेसिडेंट पॉकेट वीटो में गया था और आज तक पॉकेट वीटो में है, और पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपसे, सर्च करना अगर नहीं पता है, सर्च करोगे तो नॉलेज ही बढ़ेगा। दूसरा, ये कंपटीशन में पूछता है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इस पे सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, नॉलेज बढ़ेगा आपका देखना सर्च करके। तो समझ गए, अल्टीमेट साइन होने के बाद ही कोई भी बिल हमारे यहाँ, कोई भी विधेयक कानून बनता है। तो गवर्नमेंट बिल आपको समझ आ गया, प्राइवेट बिल भी समझ आ गया, नॉन मनी बिल जो आर्टिकल 110 के अलावा है वो नॉन मनी बिल है, मतलब जनरल बिल या ऑर्डिनरी बिल कह सकते हो, मनी बिल तो आप समझ ही गए जो लोकसभा में पेश हो सकता है सिर्फ। अच्छा, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी याद रखना। ऑर्डिनरी बिल जो साधारण विधेयक होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आर्टिकल 368 में है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसीजर साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया, तो अगर संविधान में कोई चेंज करना है जैसे 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां, 74वां, ठीक है, और बहुत सारे हैं, तो ये सब भी एक बिल के तरह ही पेश किए जाते हैं, पहले विधेयक की तरह ही, तब जाके संविधान के अंदर अमेंडमेंट होता है। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, तो जो संसद है भारत की वो कैसे कार्यपालिका को कंट्रोल करती है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट का मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, या आप कह सकते हो कि लेजिस्लेटिव, विधायिका, तो विधायिका कैसे कार्यपालिका को कंट्रोल करती है। अब सरकार है, हालांकि विधायिका के अंदर संसद के ही लोग बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं, वही जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, पर अगर किसी एग्जीक्यूटिव के मेंबर को, किसी मंत्री को कोई निर्णय लेना है
तो उसे संसद के अंदर बिल पेश करना पड़ेगा या संशोधन जो भी ये सब बिल करना चाह रहा है वो। तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा भी है वो, पर उसे लेजिस्लेटिव से यानी सारे सांसदों से परमिशन लेनी पड़ेगी, या मतलब मेजोरिटी ऑफ वोट्स या स्पेशल मेजोरिटी या जो भी प्रावधान है वो अलग चीज है। तो उसे संसद में वो बिल पास, लेजिस्लेटिव के पास वो बिल पास करवाना पड़ेगा, तब जाके उसका काम होगा। तो पढ़ते हैं, द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट सिस्टम एंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। कार्यपालिका की उत्तरदायित्वता बनती है यहाँ पे, संसद में जवाब देना पड़ता है ना मंत्री को, तो एग्जीक्यूटिव कहाँ जवाब दे रही है? विधायिका के पास, संसद के अंदर। पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ और पॉलिसी एंड ड्यूरिंग एंड पोस्ट, मतलब कोई पॉलिसी बनी उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, उसके बाद के जो स्टेजेस हैं, तो वो सबके उत्तरदायित्व उसका विधायिका के प्रति बनता है, कार्यपालिका का, सरकार का। द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ डिवाइस। तो लेजिस्लेचर कैसे करती है, जैसे इन सब चीजों पे चर्चा, सबसे पहले तो चर्चा होगी संसद के अंदर, डिस्कशन होगा कोई भी विधेयक है, उसके बाद या तो वो अप्रूव होगा या फिर वो रिफ्यूज हो जाएगा। फाइनेंशियल कंट्रोल करती है कि कितने फंड एलोकेट करने हैं, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अगर कार्यपालिका अपनी मन मर्जी से कुछ कर दी है या ऐसा लग रहा है अपोजिशन पार्टी को कि इस कार्यपालिका के पास मेजोरिटी नहीं है, मतलब आधे सांसद चाहिए होते हैं ना सरकार बनाने के लिए, वो नहीं है, तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है, अविश्वास प्रस्ताव। तो वो चीज, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, पहला पॉइंट। तो चर्चाएं होंगी बिल के ऊपर, जाहिर सी बात है, लेट अस सी। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द वे इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। तो मान लो ये एक्स मिनिस्टर है और ये एक बिल लाया, ये या पॉलिसी लाया, और ये और मतलब मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, तो ये क्या करेंगे? इनकी मेन कोशिश ये रहेगी कि ये जो बिल आया है ना, ये इनके हिसाब से लागू हो, या इसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, या जो इनके फॉलोअर्स हैं उसको भी फायदा पहुंचे, ये इस तरह कोशिश करेंगे, इस बिल की कमियां बताएंगे। तो इसको बोलते हैं हम क्या, डेलिब्रेशन ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लागू करने के तरीके में, एंड द वे इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। अपार्ट फ्रॉम डेलिबरेटिंग ऑन बिल, कंट्रोल में आल्सो बी एक्सरसाइज ड्यूरिंग द जनरल डिस्कशन इन द हाउस। जनरल डिस्कशन के वक्त भी उसकी कमियां बताएगी अपोजिशन पार्टी की, इसमें ये कमी है, या इसको ये ठीक करो आप, इसको इस हिसाब से करो। द क्वेश्चन आवर विच इज हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, ये होता है रोजाना जब भी सेशन चलता है तब, वेयर मिनिस्टर हैव टू रेस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर्स। तो कोई भी मेंबर जो उनसे सवाल उठाता है उसके बारे में उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, जिसमें कोई भी मेंबर संबंधित मंत्रालय के मंत्री से क्वेश्चंस पूछ सकता है। प्रायर नोटिस की व्यवस्था है उसमें, प्रायर नोटिस देना पड़ता है, फिर वो अगले दिन उससे पूछेगा तो वो आंसर देगा, क्योंकि अब मान लो सडनली पूछ लेगा और उस मंत्री के पास डाटा ना हो तो फिर वो जवाब कैसे देगा, तो इसलिए प्रायर नोटिस देगा फिर अगले दिन। जीरो आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इम्पोर्टेंट। अब यहां पे क्या है कि वो कोई सा भी क्वेश्चन, प्रायर नोटिस वाला नहीं है, इसे जनरली इसका टाइम 12 से 1 है सेशन के वक्त संसद में, और इसमें क्या है, दो द मिनिस्टर आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई, अगर मिनिस्टर चाहे तो रिप्लाई कर दे, नहीं चाहते तो ना करें, बाउंडेशन नहीं है। और जीरो आवर की व्यवस्था हमारे संविधान में इसका जिक्र नहीं है, ये भी याद रखना। हाफ एन आवर डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अर्जेंटमेंट मोशन ETC आर सम, अर्जेंटमेंट मोशन होता है जैसे हाउस को अर्जेंट कर दिया इतने समय के लिए, मतलब स्थगित कर दी कार्रवाई, आर सम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। तो दीज आर द सम इंस्ट्रूमेंट विच जनरली अपोजिशन पार्टी यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन द लेजिस्लेटिव मैटर्स। द फर्दर सीन इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव शोन ग्रेट इंटरेस्ट इन क्वेश्चन आवर एंड मैक्सिमम अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड। तो क्वेश्चन आवर में वो फ्री होते हैं, प्रायर नोटिस तो खैर इसमें देना पड़ता है, पर अपनी बात रखवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एम एट एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज प्राइस राइज, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, एट्रोसिटीज, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रियोर्ट्स, ब्लैक मार्केटिंग ETC। दीज आर द सम कॉमन क्वेश्चन विच आर जनरली आस्क्ड ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन वाइल द सेशंस आर गोइंग ऑन इन द पार्लियामेंट।
This gave the member an opportunity to criticize the government and represent the problem of their constituency. तो क्वेश्चन आवर एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए जो मेंबर्स हैं, जो दूसरे सांसद हैं, वो अपनी संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को संसद के अंदर संबंधित मंत्री से, मंत्रालय से पूछते हैं, जहां पे मंत्री को आंसर देना पड़ता है. द डिस्कशन ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर आर सो हीटेड. कई बार ये बहुत हीटेड भी हो जाता है, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे वॉकआउट कर जाना है उस तरह का भी चीजें हो जाती हैं. दैट इट इज अनकॉमन टू सी मेंबर रेज देयर वॉइस वॉक टू वेल ऑफ द हाउस, और मतलब बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं अपने जो मुद्दे हैं उनके लिए. दिस रिजल्ट इन कंसिडरेबल लॉस ऑफ लेजिस्लेटिव टाइम. अब अगर मान लो अपोजिशन वॉकआउट कर गई, सिर्फ रूलिंग पार्टी बैठी है, तो चर्चा तो हो नहीं पाएगी, तो फिर वो सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है, उसमें टाइम खर्च होता है, पैसे लगता है, सेशन ऐसे ही थोड़ी चलता है, बहुत पैसा खर्च होता है. एट द सेम टाइम वी मस्ट रिमेम्बर दैट मैनी ऑफ दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स. कुछ एक्शंस पॉलिटिकल टेक्निक्स भी होते हैं, जानबूझकर अपोजिशन पार्टी वॉकआउट करती है ताकि रूलिंग पार्टी अपनी बात ना रख पाए, अपने विधेयक को पेश ना कर पाए और हाउस अडजर्न होता रहे बार बार. कई बार ये टेक्निक्स अपनाती है. दीज एक्शंस आर पॉलिटिकल टेक्निक्स टू गेन कंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड इन द प्रोसेस फोर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी. तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में भी, पर ये अच्छी चीज भी है कि भाई अपोजिशन को अधिकार है चुनने का, मतलब विरोध करने का, पर इसके गलत भी उपयोग होने के चांस है. अप्रूवल एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ लॉ. पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेक्टिफिकेशन. तो अगर कोई कानून पास हो गया और उसमें कोई कमी है, मतलब तो उसको रेक्टिफाई करा जा सकता है, उसकी कमी को दूर किया जा सकता है दोबारा से उसमें संशोधन करके. अ बिल कैन बिकम अ लॉ ओनली विद इन द विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. मीन टू से कि इफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट हैव गिवन हिज अप्रूवल टू द बिल, देन इट विल बिकम लॉ, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ लॉ. A government that has the support of a disciplined majority may not find it difficult to get the approval of the legislative. तो जिस पार्टी के पास संसद के अंदर मेजोरिटी है, बढ़िया मेजोरिटी है, उसे किसी भी सहयोगी दल का कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं चलानी पड़ रही, तो उस पार्टी को तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे प्रेजेंटली भाजपा के पास मेजोरिटी है, तो उनको किसी उसका अपने अलायंस का मतलब उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो कर लेंगे काम को. तो जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है, वो संसद के अंदर अपने बिल्स को इजीली पास करवा लेती है, विधेयक को, क्योंकि वोटिंग के वक्त वो 50-55% या 60% अगर उस पार्टी के पास सांसद है रूलिंग पार्टी के पास, वो हाँ के फेवर में वोट डाल लेंगे, तो फिर वो पास हो जाएगी चीज. अब वो क्या, अगर आप कहोगे कि मान लो रूलिंग पार्टी का मेंबर ना के फेवर में वोट डालते हैं, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके तहत वो डिस्क्वालिफाई माना जाएगा उस पार्टी से या संसद से. पर उसके साथ अगर 33% सांसद ना के फेवर में वोट डाल दें, तो फिर वो डिस्क्वालिफाई नहीं है. सच अप्रूवल हाउ एवर कैन नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड. पर जनरली ऐसा होता नहीं, कौन अपनी सीट छोड़ेगा, खुद सोचिए. सच अप्रूवल हाउ एवर कैन नॉट बी टेकन एज ग्रांटेड. तो ये भी चीज है, इन अप्रूवल्स को हम छूट के रूप में नहीं ले सकते. अब संसद फाइनेंशियल कंट्रोल भी करती है. जैसे एज मेंशन्ड अर्लियर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट. के अंदर मेंशन होती हैं चीजें, 1 फरवरी को जनरली पेश करती है बजट. बजट क्या होता है, एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जो क्या होती है, जिसमें आइटम वाइज रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और आइटम वाइज एक्सपेंडिचर, कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा. फिर उसके दो कंपोनेंट है, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, वो चीजें डीप की हो जाएंगी. इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 देख लेना प्लेलिस्ट में, बजट पूरा समझ में आ जाएगा. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो बजट बनाना सरकार की जिम्मेदारी है और उसे संसद में पेश करना, फिर उसमें जो कमियां होती हैं उस पर चर्चाएं होती हैं. दिस ऑब्लिगेशन अलाउ द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द परस्यू स्टीयरिंग ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये ऑब्लिगेशन है विधायिका का कि उन्हें संसद के अंदर वो बजट पेश करना ही है ना, अपनी मनमर्जी से तो नहीं कर सकते, तो संसद के अंदर उस बजट को पास करवाना पड़ेगा, उसमें वोटिंग होगी. हालांकि जिसके पास मेजोरिटी है वो तो हो ही जाएगा पास, पर चर्चा का तो विषय है ही ना, जनता को तो पता चलेगा ना कि बजट में क्या है.
द लेजिस्लेचर मे रिफ्यूज टू ग्रांट रिसोर्सिस टू द गवर्नमेंट, मना भी कर सकती है. द सेल्डम हैपन्स बिकॉज द गवर्नमेंट ऑर्डिनरली एंजॉय सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. तो ये बहुत अक्सर ही होगा कि संसद में मना होगा उस बजट को या जो फंड्स मांग रही है सरकार वो नहीं दिए जाएंगे. क्यों, मैंने आपको बता दिया मेजोरिटी है तो फिर मना तो किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो बिल भाई संसद के अंदर कोई भी कार्रवाई होनी है, वोटिंग ही तो होगी. अब उस पार्टी के पास मेजोरिटी है वो तो हो ही जाएगी फिर पास चीज. नेवर्थलेस बिफोर ग्रांटिंग मनी द लोकसभा कैन डिस्कस द रीजन. हाँ ये है कि चर्चा कर सकते हैं भाई पैसा क्यों चाहिए या कि हाँ खर्च करोगे. फॉर विच द गवर्नमेंट रिक्वायर द मनी इट कैन इंक्वायर इन टू द केस ऑफ मिस यूज ऑफ फंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. अगर अपनी रिपोर्ट बनाए कि भाई देखो सरकार ने फालतू के खर्चे किए या जो चीज कम में होनी थी उसे ज्यादा में किया, तो फिर उसमें इंक्वायरी कर सकती है लोकसभा. पब्लिक अकाउंट कमेटी. अच्छा एक क्वेश्चन है, ये बताना कि कौन सी वो कमेटी है जिसमें सिर्फ लोकसभा के मेंबर होते हैं और सबसे ज्यादा मेंबर होते हैं. ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा गया है. बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम टू एट फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी. तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है, वो एक सिस्टम अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फंड कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्योंकि जनता का टैक्स पेयर्स का पैसा है ना. द लेजिस्लेचर इज कंसर्न अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. विधायिका को पता होता है एग्जीक्यूटिव क्या कर रही है, क्योंकि वो संसद के अंदर ही सारी चीजें चर्चा करेगी, तो विधायिका को तो ऑटोमेटिकली पता चली जाएगा कार्यपालिका क्या कर रही है. दैट आर रिफ्लेक्टेड इन द बजट थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल द लेजिस्लेचर कंट्रोल द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. तो फाइनेंशियल कंट्रोल के जरिए फंड एलोकेशन के प्रोसेस के जरिए विधायिका कार्यपालिका को मतलब क्या करती है, कंट्रोल करती है कि फंड सुचारू रूप से और सही जगह यूज हो, लिमिटेड वे में एफिशियंटली यूज हो. नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव. अब ये क्या है, जनरली मान लो एक पार्टी है एक्स पार्टी, ठीक है 543 सीटें हैं ना, तो 250-270 मान लो 272 सीटें चाहिए सरकार बनने के लिए. अब अपोजिशन में है ये पार्टी, अपोजिशन. अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, किसी भी पार्टी को अगर अपोजिशन पार्टी बनना है ना, तो उसके जितने भी सदन की सीटें हैं उसका 10% उसके पास होना चाहिए, यानी 54 सीटें. एक क्वेश्चन दे रहा हूं बताना, 2014 से लेकर 2019 तक कौन सी अपोजिशन पार्टी थी पार्लियामेंट में. इंटरेस्टिंग पता चलेगा आपको सर्च करना. तो 10% सीटें चाहिए होती हैं. तो अब 272 सीटें चाहिए इसको एक्स पार्टी को सरकार बनाने के लिए. अच्छा जी बना ली. इसने राष्ट्रपति जी को कहा कि देखो मेरे पास है मेजोरिटी, और राष्ट्रपति जी ने इनको आमंत्रित कर लिया और इन्होंने सरकार बना ली. पर 2-3 महीने बाद वाई को ऐसा लगा कि इसके पास मेजोरिटी नहीं है, इसके कुछ सांसद इसको छोड़ चुके हैं या छोड़ना चाहते हैं. तो वाई क्या करेगा, संसद के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की मांग करेगा, अविश्वास प्रस्ताव. रिसेंटली जिस अभी इन्हीं दिनों जिस दिन ये वीडियो हो रही है रिकॉर्ड, इस समय में मतलब कि इसी मंथ में, मई के मंथ में 2022 में पाकिस्तान के अंदर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ और इमरान खान साहब की सरकार गिर गई. ठीक है, हमारे इंडिया में भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया था अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे. 13 दिन की सरकार चली, फिर 13 मंथ की, और फिर 1999 से लेकर 2004 तक 5 साल की सरकार. तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है. अभी अपोजिशन को अगर लग रहा है कि उसके पास बहुमत नहीं है तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. समझ गए नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है. द मोस्ट पावरफुल वेपन, सबसे ताकतवर वेपन है रूलिंग पार्टी को कंट्रोल करने का. दैट एनेबल द पार्लियामेंट टू एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन. एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट हैज द सपोर्ट, जब तक गवर्नमेंट के पास, एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट हैज द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी और कोएलिशन ऑफ पार्टी दैट हैव अ मेजोरिटी इन द लोकसभा द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रेदर देन रियल. तो देखिए, जब तक इस एक्स पार्टी के पास संसद के अंदर मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है, हाउस ऑफ पीपल में मेजोरिटी है, तब तक इसे हटाया नहीं जा सकता. टेन्यूर पूरा होने पे तो हटेगी, उससे पहले नहीं हटाया जा सकता. वो एक फिक्शनल चीज है, मतलब सिर्फ एक
मतलब उसे हम सोच सके कि यार ये हट जाए रियल नहीं है, पर अगर इसके पास मेजोरिटी नहीं है तो फिर इसको हटना पड़ेगा नॉन कॉन्फिडेंस पोर्शन। हाउएवर आफ्टर 1989 सेवरल गवर्नमेंट्स हैव फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ईच ऑफ दिस गवर्नमेंट लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा बिकॉज दे फेल टू रिटेन द सपोर्ट ऑफ देयर कोएलिशन पार्टनर्स। तो गठबंधन की सरकारें आए दिन पार्टियां छोड़ देती थी जिसकी वजह से 1989 के समय में भारत की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल थी, सरकारें बन रही थी गिर रही थी। दस द पार्लियामेंट कैन इफेक्टिवली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एंड एंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो संसद की यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ये चीज पक्की करती है कि रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो, जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो। इट इज हाउ एवर इम्पोर्टेंट फॉर द दिस पर्पज दैट देयर इज एडुकेट टाइम एट द डिस्पोजल ऑफ द हाउस। द मेंबर्स आर इंटरेस्टेड इन डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इफेक्टिवली एंड देयर इज विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। तो ये भी चीज है कि भाई संसद के अंदर सभी मेंबर एक्टिवली पार्ट लें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज माइंड में आ रही है, अगर कोई भी सांसद 60 दिन तक बिना बताए संसद को पार्लियामेंट को एब्सेंट रहता है तो ही और शी विल कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफाइड 60 दिन के अंदर अंदर, उसे चाहे एक बार जाए हाजिरी लगवाने या वैलिड रीजन दे, वो देना पड़ता है। इन द लास्ट टू डिकेड देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन सेशन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द टाइम स्पेंट ऑन डिबेट्स। पर आप देखो सांसद इतने बिजी होते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर बड़ी है तो कई बार वो नहीं जा पाते टाइमली डिबेट्स में, पार्टिसिपेट नहीं ले पाते। हालांकि जरूरी है, जितने ज्यादा सांसद डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ज्यादा ही तो कमियां विधेयक की बिल की सामने आ पाएंगी, पर वो कई बार नहीं कर पाते। बहुत सारे काम होते हैं, आप जानते हो एक संसदीय क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र तो होता नहीं, बड़ा क्षेत्र है तो काम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते। Moreover, the House of the Parliament have been plagued by absence of quorum by courts of session. तो कई बार absence होती है quorum की। Quorum क्या होता है? जो minimum member चाहिए संसद का एक session बुलाने के लिए 50-50 का, एक बार देख लेना इसमें थोड़ा doubt है, तो या boycott कर देते हैं या members oppose करते हैं या which deprive the House the power to control the executive। और ये चीजें सब क्या करती हैं, एग्जीक्यूटिव जो विधायिका एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है उस चीज को कमजोर बनाती है चीजें, क्योंकि जब सेशन ही नहीं चल रहा तो लेजिस्लेटिव क्या कर लेगी, एग्जीक्यूटिव पे क्वेश्चंस ही नहीं उठ पाएंगे, वॉकआउट हो जाएगा, सपोर्ट नहीं होगा तो फिर कैसे वो क्वेश्चंस रूलिंग पार्टी से पूछे जाएंगे, एग्जीक्यूटिव से पूछे जाएंगे। अब पार्लियामेंट रेगुलेट कैसे करती है अपने आप को? इट इज थ्रू डिबेट्स दैट द पार्लियामेंट रिफॉर्म ऑल इट्स वाइटल फंक्शंस। समझ में आ गया? सच डिस्कशन मस्ट बी मीनिंगफुल, और जो चर्चाएं हो रही है उनका कोई मतलब हो, फालतू की चर्चाएं ना हो, एंड ऑर्डरली सो दैट द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट आर कैरीड आउट स्मूथली। तो जो चर्चाएं हो रही हैं उनका कुछ महत्व हो ताकि जो संसद की क्रियाएं हैं काम हैं वो सब स्मूथली चलते रहे, डिग्निटी से चलते रहे। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज द मेन, और इन केस ऑफ लोकसभा वी हैव स्पीकर, और राज्यसभा में हमारे पास चेयरमैन है। राज्यसभा का जो भी चेयरमैन होगा वो इंडिया का वाइस प्रेजिडेंट होगा, और जो स्पीकर होगा लोकसभा का वो कौन कहां से चुना जाएगा, लोकसभा के मेंबर्स उसके इलेक्शन में वोट डालेंगे। आगे जी, इम्पोर्टेंट एक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985। ये मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा रफली पेपर पे, फिर पढ़ लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो ये इस कानून के पहले क्या व्यवस्था थी, ये एक्स है, अब ये 272 सीटें चाहिए मेजोरिटी में पार्लियामेंट में, और ये वाई पार्टी है, इसके पास मान लो है 271, टोटल 543 हो गए। अब ये एक्स बाबूजी क्या कर रहे हैं, इसको छोड़ के इसमें चले गए, इनकी सरकार बनी, इनकी गिर गई, एक एक के जाने से। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अगर जब उनके उनका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया था उनके पास एक मेंबर कम रह गया था। तो ये चीजें हैं, हालांकि वो तो चलो इस कानून के बाद की बात है, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं
अब ये इधर चला गया इस कानून के पास होने से पहले, ये वो डिस्क्वालिफाई नहीं हुआ जिसकी पार्टी से खड़ा होकर जीत के गया था, अब वो डिस्क्वालिफाई नहीं हुआ इस कानून के पहले, अब तो डिस्क्वालिफाई माना जाता है अगर छोड़ के जा रहे। तो अब क्या हुआ, उसकी सरकार बनेगी, कल को उससे ना बात बनी इसमें आ गया। तो ये चीजें ना हो, गठबंधन की प्रॉब्लम्स या मतलब कि थ्रेट्स ना दे पाए कि हम पार्टी छोड़ देंगे, सरकार गिर जाएगी, लाइक दैट, इसीलिए इस कानून को लाया गया ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड ऑन अ टिकट ऑफ अ सम पॉलिटिकल पार्टी, टिकट देती हैं। व्हाट वुड हैपन इफ दे डिसाइडेड टू लीव द पार्टी आफ्टर इलेक्टेड, क्या होगा अगर वो टिकट भी दिया पार्टी ने और जीतने के बाद, मान लो मैंने पार्टी बनाई और मैंने कैंडिडेट को टिकट दिया और वो जीत गया, और कल को वो जीतने के बाद मुझे छोड़ गया, अब वो खड़ा हुआ मेरी पार्टी से, लोगों ने मेरी आइडियोलॉजी को मतलब मेरे को देख के, या चलो उसकी भी महत्वता थी, वोट दिए, अब वो बाबूजी छोड़ के चल दिए, तो ये भी दिक्कत थी। फॉर मैनी ईयर्स आजादी के बाद कुछ 50 से 85 तक गिन लो, चलो 26 जनवरी 1950 से हुआ ना संविधान तो लागू, तब से गिन लो। तो इस तरह की चीजें हो रही थी कि वो छोड़ के भाग जाते थे दूसरी पार्टी में। फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टीज दैट अ लेजिस्लेचर हु इज इलेक्टेड ऑन वन पार्टी टिकट मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड। तो फिर पार्टीज में आपस में सहमति बनी कि भाई कोई ऐसा कानून हो जिससे छोड़ के ना भाग सके, जीतते हमारी से कल को उनके में चले गए। तो फिर 52वां संविधान संशोधन पास हुआ, एंटी डिफिक्शन लॉ, दल बदल कानून। इट हैज आल्सो बीन सब्सिक्वेंटली, और इसे मॉडिफाइड भी किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट से, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस इज द अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल डिसीजन इन सच केस। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस मीन्स लोकसभा, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ज्वाइंट सिटिंग दोनों सदनों की कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा चेयर करते हैं, याद रखना उसको। तो व्हाट इज डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब क्या है, इफ अ मेंबर रिमेन एबसेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप। अच्छा जी चलिए देखते हैं, मैं आपको डिफेक्शन का मतलब हिंदी में समझा दूं। मान लो ये एक्स है, एक्स पार्टी है और ये मैं हूं, मान लो मोहित, मैं एमपी हूं इस पार्टी से, एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ मानने को कहा है। अब ये पार्टी कह रही है कि मोहित इस दिन आना है और बिल पेश करेंगे, हम वोटिंग डालनी है, मैं गया नहीं जानबूझकर। अच्छा जी कोई नहीं, ये पार्टी कह रही है कि इस पॉलिसी को फेवर करना है, इसके ऊपर बोलना है, मैं मना कर दे रहा हूं, मतलब मैं पार्टी की आइडियोलॉजी से हर काम से उसको मना कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं क्या, डिफेक्शन बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन, या इसके खिलाफ वोटिंग करूं या वॉलेंटरली इसको छोड़ दूं पार्टी को, तो ये क्या कहलाया जाएगा, डिफेक्शन। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट भी समझ में आया होगा। कोई चीज अगर नहीं क्लियर है या कोई चीज आप जानते हैं जो मैंने नहीं बताई वीडियो में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताना, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। देखिए मेरे पास जो पॉइंट थे मैंने शेयर कर दिया आपसे, अगर आप कुछ और जानते हैं तो बताइएगा, इनसे रिलेटेड मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़िएगा, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं कि आप खूब मेहनत करें और खूब लाइफ में आगे बढ़ें। और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जिसके एक्सप्लेनेशन में या स्पेलिंग में कोई गलती हो गई है तो प्लीज उसे इग्नोर कीजिएगा, मैं भी एक लर्नर ही हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, तो आप उसे लाइट ले लीजिएगा और बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे गलती है, मैं उसे अगली बार नहीं करूंगा, ठीक कर दूंगा अपनी नॉलेज में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर खत्म हुआ, ये पार्ट असल में रह गया था तो इस वजह से ये भी बना दिया गया है, और बस लास्ट पार्ट के मैं नोट्स लिख ही रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। 10वां जो हमारा चैप्टर है इस बुक का, लास्ट चैप्टर है। स्वस्थ रहिए स्टूडेंट्स, खूब मेहनत कीजिएगा, धन्यवाद।